दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए अंग्रेजी का एक वीडियो लेके आए हुए हैं, जिसमें दोस्तों ये जितना भी अभी अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसका हम एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे, जिससे आपको अंग्रेजी का हिंदी आसानी से करना आएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम यदि हमारे चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अंग्रेजी सीखने वाला वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा और आप आसानी से हमारे वीडियो को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। फर्स्ट फर्स्ट का अर्थ होता है पहला, है ना, पहला। डे डे का अर्थ होता है दिन। ऑफ ऑफ का अर्थ होता है का। स्कूल स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, यानी कि विद्यालय का पहला दिन। ठीक है। अमिया हैड ए ग्रेट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। अमिया, दोस्तों अमिया क्या है? एक नाम है ना, कोई भी गर्ल है उसका नाम है अमिया। हैड, दोस्तों हैव का अर्थ होता है, हैड का अर्थ होता है था। ए ग्रेट, एक महान। फर्स्ट डे यानी पहला दिन जो था अमिया का, एक बहुत ही अच्छा था ऑफ स्कूल, स्कूल का। ठीक है। मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट ईयर वेयर इन हर क्लास। मेनी ऑफ हर फ्रेंड्स, मेनी का अर्थ होता है अनेकों, कई। हर फ्रेंड्स मतलब होता है उसके मित्रों। फ्रॉम लास्ट ईयर, जो पिछले साल से जो थे। वेयर इन हर क्लास, उसके क्लास में थे। हर टीचर मिस्टर विंकलर, उसके शिक्षक मिस्टर विंकलर। वाज फनी, मिस्टर विंकलर जो थे बहुत ही मजाकिया किस्म के थे। द स्टूडेंट्स डेस्क वेयर अरेंज इन ए सर्किल अराउंड द रूम। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, डेस्क वेयर अरेंज, विद्यार्थी डेस्क को अरेंज कर रहे थे यानी रख रहे थे इन ए सर्किल यानी गोल करके। अराउंड द रूम यानी रूम जो था उसके चारों ओर गोल करके, सर्किल बना के डेस्क को वो रख रहे थे। इंस्टीड ऑफ इन रोज यानी वो पंक्ति में नहीं रखने के बजाय वो सर्किल करके रख रहे थे। व्हेन मिस्टर विंकलर, जब मिस्टर विंकलर वाज टीचिंग, जब मिस्टर विंकलर पढ़ा रहे थे। ही स्टूड इन द सेंटर ऑफ द सर्किल, वह वो जो सर्किल जो बना हुआ था यानी बेंच का जो सर्किल बना हुआ था उसके बीचों बीच में जाके खड़े होकर मिस्टर विंकलर बच्चों को वो पढ़ा रहे थे। टर्निंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो मुड़ते थे समय से समय, समय टू समय वो मुड़ते थे। टू फेस डिफरेंट स्टूडेंट्स एज ही टॉक्ड, और उनका जो चेहरा था वो अलग अलग बच्चों पे रहा करता था। कोई बच्चा अगर बात करता था तो वो उनको वो देखने लगते थे, उनका चेहरा उनके पास रहा करता था। इंस्टीड ऑफ बीइंग इन ए स्कूल, स्कूल में रहने के बजाय। इंस्टीड का अर्थ होता बजाय, बीइंग का अर्थ होता होना, यानी स्कूल में होने के बजाय। इट वॉज लाइक दे वेयर वॉचिंग ए प्ले, वो पसंद करते थे जब वे लोग खेलते थे, बच्चे सभी खेलते थे तो वो बच्चे को खेलते हुए देखते हुए वो पसंद करते थे। दोस्तों वाचिंग का अर्थ होता है देखना, ये प्ले प्ले का अर्थ होता है खेल, यानी बच्चे सभी खेल रहे थे उसको वो देखते हुए पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों आपको ये जो आमिया का जो फर्स्ट डे का, स्कूल का जो फर्स्ट डे है, ये दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, यानी ये जो अंग्रेजी है इसको आपको अच्छा से हिंदी समझ में आया होगा।